गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद हो या सामाजिक दायित्वों का निर्वहन, गुरुग्राम में सस्ती और सुगम स्वास्थ्य सेवाओं का पर्याय बन चुका कैनविन फाउंडेशन नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। डॉक्टर और दवाइयों के बीच फंसे हजारों मरीजों को सही राह दिखाने की बात हो या पिछले करीब 3 वर्षों में फाउंडेशन ने बहुत तेजी से लोगों के बीच विश्वास पैदा किया है। फाउंडेशन की स्थापना से लेकर अब तक की कहानी सुनिए कैनविन फाउंडेशन के संस्थापक एवं चेयरमैन डॉक्टर डीपी गोयल की जुबानी। संजय भाई साहब, हमारी बचपन से ही एक ऐसा विजन था कि हम सामाजिक जीवन में बहुत अच्छा कार्य करें। माताजी को जब बीमारी आई, जब कैंसर की बीमारी थी, तो उस दौरान हमारे विचार और सुदृढ़ हो गया और हमें लगा कि हमें जरूर स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ अच्छा करना चाहिए। तो उसी दौरान हमारी ये हमने एक विचार की शुरुआत की और कैनविन फाउंडेशन उसी विचार से हमारी एक संस्था हम बना पाए। 2019 में हमने इसकी शुरुआत की और आज 3 सालों में हम एक एक माइलस्टोन हमारे भगवान की कृपा से हमने हासिल किए हैं। कैनविन फाउंडेशन ने पिछले 3 सालों में सामाजिक एवं स्वास्थ्य सेवाओं की गुरुग्राम में एक के बाद एक झड़ी लगा दी, जिसने जरूरतमंद लोगों के लिए बड़ी राहत पहुंचाने का काम किया है। इन कार्यों की जानकारी खुद डॉक्टर डीपी गोयल ने दैनिक भास्कर के साथ साझा की। देखिए, कैनविन फाउंडेशन का मकसद है भाई साहब कि हमें अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं एक आम घर तक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, अप्रोचेबल और एश्योरेबल तरीके से हमें पहुंचानी है। उसी विजन पे हमने काम करते हुए आज हमारे 3 पॉलीक्लिनिक हमारे चल रहे हैं और एक चौथे हमारे कैनविन आरोग्य धाम के नाम से हमारे एक चैरिटेबल अफोर्डेबल हॉस्पिटल हम लेके आ रहे हैं। देखिए, जो हमारा विजन है वो स्वास्थ्य सेवाओं में अपना कंट्रीब्यूशन करने का रहा है, तो उसी कदम में जो भी हमारे जिस तरह के भी केसेज हमारे सामने आते हैं, हम उसमें ज़रूर अपना एक योगदान देने की प्रयास करते हैं। पीछे हमारे पास एक ऐसा केस आया था, जो एक बच्चा था वो SMA की बीमारी से पीड़ित था, उसमें 16 करोड़ रुपए का एक इंजेक्शन लगता है जो हमें इंपोर्ट कराना होता है। तो वो हमने उसकी शुरुआत की थी फंड रेजिंग की और उसमें हम सक्सेसफुल हो पाए थे और वो बच्चा आज भी जीवित है और अच्छा उसमें रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं। उसी तरह का एक कनव जांगड़ा नाम से बच्चे का एक केस हमारे सामने आया है, जिसमें वही बीमारी में आज उसकी कॉस्ट 17.5 करोड़ रुपये हो गई है। तो हम उसमें लगे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से भी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, जरूर हमारे को थोड़े थोड़े फंड जरूर चैरिटी में निकालने। जहाँ तक आपने नंबर्स की बात की है, यदि हम इन बड़ी पैसों की सर्जरी की बात छोड़ दें, इसके अलावा और भी जितनी सर्जरीज हुई हैं उसमें यदि हम आंकड़ों की बात करें तो करीबन 350 के आसपास सर्जरीज हमने इस तरह की कराई है, जिसमें फ़ंड 2 से 5 लाख रुपये का फ़ंड लगना था और वो सर्जरीज हमने करीबन 20 से 30 हज़ार रुपये के बीच में हम करवाने में हम सफल हो पाए हैं और आगे भी हमारा प्रयास जारी है। किसी भी शहर में एम्बुलेंस किसी फरिश्ते से कम नहीं होती, वो ऐसे शहर में जहां जनसंख्या अधिक हो और स्वास्थ्य सेवाएं कम, ऐसे में कैनविन की एम्बुलेंस सेवा ने गुरुग्राम में बहुत लोगों को मदद पहुंचाने का काम किया है। देखिए, जितने भी स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं और जितने भी अलग अलग वर्टिकल्स होते हैं, उसमें एम्बुलेंस का एक अपना अहम रोल है। देखिए, जब आपातकालीन स्थिति आती है तो हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं कि हम कहाँ किसके पास जाएं, एम्बुलेंस हमारे को कहाँ मिलेगी। और उस इमरजेंसी के टाइम में मुझे कहते हुए बड़ा दुख भी होता है कि कई एम्बुलेंस वाले थोड़ा सा ओवरचार्ज भी करते हैं, तो एक आम घर का बड़ी पीड़ा का विषय है ये। और कई बार उस एम्बुलेंस के पैसे ना देने की वजह से बहुत सारी जानें भी चली जाती हैं, तो एक गरीब परिवार, एक आम परिवार, ज़रूरतमंद परिवार वो मुहैया नहीं करवा पाता। इसी के तहत हमने, जब कोरोना का समय चल रहा था, तो 2 एम्बुलेंस की सेवा हमने गुरुग्राम में शहर में फ्री ऑफ कॉस्ट हमने शुरू की थी। और लेकिन वो करने के बावजूद कई बार ऐसी केसेस हमारे सामने आते थे जहां हमारे को वेंटिलेटर की जरूरत होती थी, वेंटिलेटर इक्विप्ड हमारे को एम्बुलेंस की जरूरत होती थी और वो हम मुहैया नहीं करवा पाते थे। तो हमने इसकी एक शुरुआत अपने माता जी की पुण्यतिथि पर हमने इसकी की थी। ऐसे में गुरुग्राम में कैनविन ने गुरुग्राम के अंदर स्वास्थ्य क्षेत्र में अद्भुत और अद्वितीय कार्य किए हैं, जिससे लोगों को मदद मिली है, सरकार पर भी लोगों की निर्भरता कम हुई है। आवश्यकता ऐसे संगठनों को बढ़ावा और बल देने की, जिससे कि अन्य लोग भी इससे प्रेरणा ले सकें और ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद की जा सके। गुरुग्राम से संजय शर्मा की रिपोर्ट दैनिक भास्कर के लिए।